الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم मुसलमानों संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है मुसलमानों संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है करो तौबा गुनाहों से कयामत आने वाली है। मोहतरम व मुअज्जज असातिज़ा किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज मेहमानाने इज़ाम और मेरे हम मकतब साथियों, आज के इस सालाना बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है सूदी निज़ाम की कबाहत। मोहतरम हजरात, इस्लाम का ये तुर्राए इम्तियाज़ है कि उसने हर मामला में अहले इस्लाम की रहबरी और रहनुमाई की। जहां बंदगी के तरीक़े बतलाए तो वहीं पर ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े भी सिखलाए। जहां इजतिमाईत के फ़ज़ाइल से आशना किया तो वहीं पर माशरती व इनफरादी मसाइल से भी आगाह किया। अगर इस्लामी तालीमात का जायज़ा लिया जाए तो ये बात अज़हर मिन शम्स हो जाएगी कि इस्लाम ने अक्ल हलाल की अहमियत को जा बजा उजागर किया तो साथ ही साथ अक्ल हराम को नाजायज व बातिल करार दिया। इन्हीं बातिल तरीक़ों और अक्ल हराम में से एक तरीक़ा सूदखोरी का भी है। मोहतरम हजरात, सूद एक ऐसी वबा है जिससे कोई शहर, कोई रियासत, कोई मुल्क, कोई मोहल्ला, कोई खिता तो दूर की बात, अरे कोई गली भी खाली नहीं। आज सारी दुनिया सूद की तबाही और बर्बादी से दो चार है। मुअज्जज़ मुसलमानों, अब तक दुनिया ने सूद को नफा का जरिया समझ रखा था, अहले दुनिया ने सूदी निज़ाम को माल बढ़ाने का मुअसर आला तस्वूर किया था, घर बैठे बेहतरीन आमदनी का जरिया तस्लीम किया था, लेकिन आज अहले दुनिया ने देख लिया कि उस सूद ने बैंकों का दिवालिया निकाल दिया, बेरोजगारी में इजाफा कर दिया, तरक्की का ख्याल रखने वालों का ख्याल पारा पारा हो गया, उसने सबको परेशान कर दिया, अमवात में इजाफा कर दिया, कमजोरों और कर्जदारों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। अलगरज उस सूद ने हर तरफ एक तूफान तागूती मचा दिया और आज सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि सच फरमाया अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कि यमहकुल्लाहु रिबा, कि अल्लाह ताला सूद को घटा देगा और सूदी निज़ाम में मुलविस अफराद को मज़ा चका देगा। मुअज्जज़ मुसलमानों, एक बात कान खोल कर सुन लो कि दुनिया में लानत से बढ़कर कोई बद्दुआ नहीं। मेरे रसूल, चमने रिसालत के महकते फूल जिन पर हो रहमत इलाही का नुजूल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी पर भी लानत नहीं फरमाई। आपने दुश्मनों के साथ रहमत वाला बर्ताव किया, लोगों ने गालियाँ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं दी, गरज किसी पर लानत नहीं फरमाई। मगर जब सूदखोर का तज़किरा आया तो लिसान रहमत लिल आलमीन भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि लानल्लाहु आकिला रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु, यानी सिर्फ सूदखोर पर अल्लाह ताला की लानत नहीं बल्कि सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत है, सूद पर गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत है, सूदी कर्ज को लिखने वाले पर अल्लाह की लानत है। इसी पर बस नहीं, अल्लाह ताला ने हर गुनाह के करने पर अजाब की वईद बतलाई, डराया धमकाया, मगर जब सूदी निज़ाम की बारी आई तो अल्लाह ताला ने भी सूदखोर के खिलाफ जंग का ऐलान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और अपनी मालों को लगा हुआ सूद छोड़ दो, इनको तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, फ़इन लम तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ।
मुअज्जज़ मुसलमानों, अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो सूद छोड़ दो। तो पता चला कि ईमान और सूद एक जगह जमा नहीं हो सकते। जब तक आदमी सूदी निजाम से दूर नहीं रहेगा उसका ईमान भी कामिल नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान फरमाया। और हमारे रसूल आकाए नामदार मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी निजाम की कबाहत को बयान करते हुए फरमाया कि सारी जिंदगी सूद खाना तो दूर की बात, सूदी कमाई तो दूर की बात, अरे सूदी रकम से खाया हुआ एक लुकमा इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा है कि मेरे रसूल ने साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया कि सूद का एक लुकमा खाना गोया अपनी माँ से एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, अरे तीन मर्तबा नहीं, बल्कि 70 मर्तबा जिना करने के बराबर है। अब बताओ किसमें दम है कि वो अपनी माँ को जानिया बना डाले। मोहतरम हजरात, सूद की कमाई का एक लुकमा जैसे ही पेट में उतरता है तो एक खतरनाक जहर की तरह आमाले हसना की तासीर व नूरानियत का खात्मा कर देता है। कबूलियत दुआ की तासीर जाती रहती है, आमाल व अहवाल में बरकत खत्म हो जाती है, फिर नेकी और बदी में इम्तियाज की कुव्वत भी चली जाती है। दिल पत्थर हो जाता है, आदमी जालिम बन जाता है, गरीबों और कमजोरों के खून को बेहतरीन मशरूब समझकर पीने लगता है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, यानी वो बदन जन्नत में दाखिल न होगा जिसकी परवरिश हराम माल से की गई हो, जो माल हराम से परवान चढ़ा हो। मोहतरम हजरात, सूदखोर अल्लाह की नजर में मर्दूद जन्नत है, सूदखोर नबी आखिरुज़्ज़मा की नजर में मुजीब लानत है, सूदखोर उलमा की नजर में मुजीब शकावत है, सूदखोर अरबाब इल्म दानिश की नजर में लायक जिल्लत है, सूदखोर उम्मत मुस्लिमा की नजर में साहिब मलामत है। इन सारी बातों को जानने के बाद हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सूदखोर से दूरी वक्त की जरूरत है, इसी में हमारी नजात है। सूदखोर से लाजिम अदावत है, वरना हमारी जहालत है, इसके बाद नदामत ही नदामत है। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, जरा ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, हकीकत का सूरज तुलो हो चुका है। जरा गली कूचों का दौरा करो, सूदखोरों का किला तमा करो, सूदी निजाम में मुलविस अफराद का समाजी बाइकॉट करो, और जो गरीब हजरात है उनकी मदद करो। ऐ सूदी निजाम में मुलविस लोगों, जरा हमारे आका का फरमान तो सुन लो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल यदुल उलिया खैर मिन अल यदि सुफला, यानी मांगने वाला हाथ बेहतर नहीं, लिहाजा खुददारी अपने अंदर पैदा करो, मखलूक से जुल्मन मांगने के बजाय अपने खालिक से मांगने की आदत डालो, वो गनी और बेनियाज है, वो मांगने से खुश होता है, हर घड़ी देने को वो तैयार है, हर घड़ी देने को वो तैयार है, जो ना मांगे उससे वो बेदार है। लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि हर शख्स ये आज़म और पुख्ता इरादा कर ले कि हम सूदी निजाम से दूर रहेंगे, हम सद्दे रमक खाकर गुजारा कर लेंगे, मगर मासियत खुदा के हरगिज मुर्तकिब ना होंगे। आओ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सूदी निजाम से दूर रखे, अकले हलाल नसीब फरमाए और माले हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।